प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इशारों में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने का विश्वास जताया है। मन की बात के 53वें संस्करण में उन्होंने कहा कि अब मई महीने के आखिरी सप्ताह में चुनाव के पश्चात बात होगी। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि मार्च अप्रैल और मई की भावनाओं को तभी व्यक्त करूंगा, तब तक के लिए मन की बात का यह आखिरी कार्यक्रम था और चुनाव के बाद यह सिलसिला फिर से शुरू होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के जरिए अपनी मनमानी करते हैं और उन्हें जनता की भावना से कुछ लेना देना नहीं है। जन भावनाओं को दरकिनार कर मोदी हमेशा ही उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं जो उनके हिसाब से सही लगती है। जिसने आज कहा है कि मैं मन की बात आखिरी कर रहा हूं, शायद उनको वहम है कि वो और मन की बात के अंदर वो मन की बात नहीं कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे। अरे तो मनमानी की बात करते हैं, अभी तक मनमानी की बात करते आए हैं। कोई भी उनको नहीं पता कि सामने वाले ने क्या चाह रहा है, तो कभी मन की बात उनकी लोगों के साथ में उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। ऐसे लोग जो आज कह रहे हैं कि मैं अब मई में अगली मन की बात करूंगा, यानी अपनी मनमानी की बात करूंगा और उसके बाद जो है लगातार सालों करता रहूंगा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी को इतना ज्यादा अपने जो है अपने ऊपर गुरूर है कि वो जनता का कोई एहसास नहीं, जनता के ख्याल है उसका कोई एहसास नहीं, ऐसा शख्स जो कह रहा हो कि मैं, तो ऐसा शख्स को यही कहा जा सकता है कि मन की नहीं वो मनमानी की बात करता है। हमारा लक्ष्य मांग रहा है और मोदी जी टेलीग्राफ के अंदर पहले पेज पे छपा है, हर रोज नए कपड़े पहन के देश के सामने आ रहे। हम सब ये मुतालबा करते हैं, कांग्रेस कह चुकी है, राहुल जी कह चुके, आप बड़ा कदम उठाएं, इन शहीदों के खून का बदला लें, मन की बात बंद कर दें, कुछ करके दिखाएं।